वीडियो बना रहे हैं ऑन विश फुलफिलमेंट. पीपल ऑफन कॉन्टेक्ट मी फॉर विशेज. विशेज फुलफिल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि किसी की कोई भी विश हो सकती है. खैर, ये टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव विशेज. ये एक आर्टिकल आता है विच इज कॉल्ड विश पिरामिड. ये आप यूज करके दे सकते हैं. अगर आपको रेकी आती है इट्स वेरी गुड. नहीं आती है स्टिल इट इज गोइंग टू वर्क वेरी गुड. इसको यूज कैसे करते हैं? इस पिरामिड को ना एक खुलने का एक ऑप्शन होता है. यू कैन ओपन इट लाइक दिस. इसके अंदर एक कटोरी सी होती है. यू कैन रिमूव दिस ऑल्सो. इसमें यू कैन पुट अ चिट लाइक दिस. इस चिट में आप लिख सकते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव. लेकिन रेकी लैंग्वेज में या पॉजिटिव लैंग्वेज में हम हमेशा बोलते हैं कि ये काम हो चुका है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं आपके बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो आप बोलेंगे उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, आ चुके हैं, या हमारी रिलेशनशिप हमारे हस्बैंड के साथ अच्छी हो गई है. तो हेयर यू विल राइट इट, वो बहुत अच्छी हो चुकी है. ऑलवेज इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ फ्यूचर टेंस, कि वो हो चुका है ऑलरेडी. लाइक आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड का या अपना बिजनेस बहुत अच्छा रहे, तो मेरा बिजनेस अच्छा हो चुका है. यू कैन राइट इन दैट मैनर. आप एक रेड पेन यूज कर सकते हैं लिखने के लिए. इसके अलावा आप इसमें अगर आपको कोई सिम्बल्स के लिए आप अट्यून्ड है रेकी के, लाइक चोकोरे से की होशा दशुनिन, आप वो ड्रॉ कर सकते हैं. डायगमो, जो भी सिम्बल्स आपको आते हैं या आप यूज करते हैं वो आप बना के इसमें. देन यू कैन फोल्ड द चिट लाइक दिस टू अ स्मॉलर वर्जन, सो दैट ये इस कटोरी के अंदर फिट हो जाए. ये कटोरी खुल सकती है. अब आप एक क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी विशेज? नॉर्मली व्हाट आई सजेस्ट इज कि एक टाइम पे 3 विशेज आप इसके अंदर रखें. आप रखने के बाद, इस कटोरी को खोल के रखने के बाद, इस पिरामिड को बंद कर दें. अगर आपको रेकी आती है तो आप इसको इस तरह से लेफ्ट हैंड में रखें. आपको सिखाया ही गया होगा हीलिंग उसमें. फिर तो इस तरह से रख के राइट हैंड उससे कवर करके यू कैन कंटिन्यू द रेकी हीलिंग एज मच एज यू कैन. अगर आपको रेकी नहीं आती है, स्टिल इट इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल. आप इसे मंदिर में या फिर आप अपने कहीं कोई सुरक्षित जगह पे इसको रख सकते हैं. एंड जब आपको लगे कि आपको इसको एनर्जी देनी है, तो सिंपली हैंड ऐसे रखना है, ऊपर से कवरअप करना है. इसको बार बार खोलते नहीं है ताकि एनर्जी लॉस ना हो इसमें से. और इस तरह से आप इसको हील कर सकते हैं. आप इसके साथ कोई कैंडल रिलेटेड टू योर विश भी जला सकते हैं, या रेड कैंडल, मोस्ट कॉमन एक्टिवेटर कैंडल, आप इसके साथ जला सकते हैं. अमावस्या पे आप इसके साथ रेड कैंडल जला सकते हैं. That is going to fulfill your wish. It's a very good thing. Normally, I give that to people. और एक you know, एक kind of energy, बहुत positive energy आप अपनी wishes के लिए create कर सकते हैं. Thank you. Happy learning.